हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग गाइड गैलरी, दिस साइड वर्षब। कुछ लोगों ने हमसे बोला था कि आप हमें बताइए कि पतंग अंदर की है तो सही कैसे करें, उसको पतंग सीधी कैसे करें, बाहर गिर रही है तो सीधी कैसे करें, कन्ने कैसे बांधें। तो आज वीडियो हम उस चीज़ पर बनाएंगे, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। बट उससे पहले कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ मैं, मतलब आप, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हम भी कुछ स्टॉक परचेज कर लेते हैं जो अच्छा होता है। तो आज शावेश भाई के पास कुछ बहुत पुरानी पतंगें निकली हैं, तो वो पतंगें हमने परचेस कर ली हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये केवल मेरी पतंगें हैं, बाकी हमारा क्लब जो है उसमें बाकी सबने तो अलग ली हुई हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये है मेरी पतंगें। ये डिज़ाइन बेसिकली मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसी वजह से इस डिज़ाइन की जितनी पतंगें थी मैंने सब उठा ली। ये देख सकते हैं आप, चौखाना, पट्टीदार चौखाना है ये, बहुत प्यारा पतंग है। देखिए ये भाई, एकदम रेडी पतंग है ये, और आप जाइए और बस उड़ा दीजिए। कमानी ठड्डा एकदम जानदार लगा हुआ है, और इतनी प्यारी पतंग है। देखिए घुटाई भी हुई है, जिसको कुछ लोग कौड़ी वर्क बोलते हैं, ये देखिए बर्फी नामक घुटाई हुई है इसमें, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया एक डिज़ाइन। एक दूसरा डिज़ाइन भी है इस पतंग, इस जो काफ़ी पुराना स्टॉक निकला है शाविश भाई के पास, एक दूसरा डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इनको साइड पे कर दूँ पहले। ये देखिए, ये है उल्टा टोपी वाला, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा है कि ये लंबा फर्मा और चील काट है। हाँ देखिए, और पतंग में जो टेम्पर है ना, वो बहुत प्यारा टेम्पर है। ये देखिए कमानी ठड्डा एकदम सुई के जैसा ठड्डा जो है। और भाई ये डिज़ाइन इतना प्यारा लगता है, मतलब मज़ा ही आ जाती है डिज़ाइन पे। पुरानी पतंगें हैं, रखी हुई पतंगें हैं, और एकदम तैयार है। जैसे कि आप ये देखिए, ये पीला टोप है, इसमें ये आ जाता है, ऑरेंज टोप है, ये वो येलो था, ये ऑरेंज आ जाता है। इसमें आप देख सकते हैं बीच में हल्की सी घुटाई हो रखी है, इसमें भी थोड़ा सा, यहाँ पर भी हुई है बैक पे। ये ऑरेंज इतना प्यारा कलर लग रहा है, इतना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। और पतंगें तो भाई एकदम तैयार हैं, आप बस जाइए, कन्ने बांधिए और उड़ा दीजिए। एकदम सीधी पतंगें, हमने तो उड़ाई हुई हैं। ये देखिए, इसमें ही और भी कलर्स हैं, जैसे कि ये ब्लू पे ऑरेंज है, ये ब्लू पे ऑरेंज भी बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है ये। और पतंग तो भाई बहुत ही प्यारी है, मतलब जिनको पली, वाह, जितनी जिनको पली हुई पतंगें बोलते हैं हम, कि वो पतंगें। ये देखिए, ये जो टेम्पर है ना, सारा खेल इस टेम्पर का होता है। ये देखिए, कागज़ कौन सा लगा है शावेश भाई इस पर खटीमा कागज़ लगा हुआ है भाई, बहुत प्यारा। ये देखें, कोई इशू नहीं है, ये भी मज़बूत कागज़ है काफ़ी। ये फिर से ऑरेंज आ गया, यही फिर से ऑरेंज है। ये देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये देखिए भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। ये चील काट फर्मे पे है, शिका हुआ कमानी ठड्डा, और वाह वाह भाई, एकदम तैयार पतंगे हैं। मतलब जो कुछ लोग बोलते हैं कि, मतलब जो पतंगों का सिद्धांत होता है कि आप जितना रखेंगे पतंगों को, वो पतंगे उतनी ही अच्छी होती जाती हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो भाई ये ओल्ड इज़ गोल्ड वाली पतंगे हैं, अब देख सकते हैं। ये देखिए, सेम, इसको साइड रखते हैं। तो इसका, इन पतंगों का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, ये पतंग मुझे मिली कैसे। आज एक हमारे जीतू भाई हैं, वो काफ़ी दूर से आए थे हमारे पास, तो उनको कुछ अच्छी पतंगें चाहिए थी। तो उन्होंने शावेश भाई से काफ़ी रिक्वेस्ट करी, मैं तो था नहीं उस टाइम पे शॉप पे, जब वो आए थे तब नहीं था, बट बाद में आ गया था। तो शावेश भाई ने पतंगें निकाली, और जब निकाली तो जितनी जीतू भाई ने परचेस करी वो तो ठीक, उसके बाद जितनी बची थी वो सारी तो मैंने परचेस कर ली, थोड़ी गौरव भाई ले गए, बाकी जो थी वो पूरी मैंने परचेस कर ली। प्लीज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पतंग के लिए फ़ोन ना करें, इस पतंग का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सारा स्टॉक हमने, हमारे क्लब वालों ने और जीतू भाई ने ही परचेस कर लिया। बहुत टाइम से ये पतंगें रखी हुई थी, मतलब हमको तो पता ही नहीं था, शावेश भाई ने छुपा के रखी हुई थी, कुछ नगीने जो होते हैं शावेश भाई के पास वो रखी हुई थी शावेश भाई ने। तो आप देख सकते हैं पतंगें कितनी खूबसूरत पतंगें हैं, चील काट फर्मा, पास के पेज के लिए बहुत प्यारी पतंगें हैं, मज़ेदार एकदम। तो चलिए अब मेन जो टॉपिक है उस पर आते हैं। जैसे ये एक हमारी पतंग है, एक पतंग निकालता हूँ मैं, बिल्कुल
हाँ, ये पतंग का स्टॉक अवेलेबल है, ये पतंग आपको मिल सकती है। इसका क्या प्राइस है शावेज भाई? 15। इसका प्राइस है 15 रुपये। मांगदार है ये भी, वही लंबा फरमा है, भरा फरमा थोड़ा। पतंग बहुत प्यारा है, ये देखिए लोच देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और आपको बताते हैं हम पतंग ऐसे उड़ाते हैं। ठीक, तो कभी पतंग इधर जाती है तो कभी पतंग इधर जाती है, तो हमको इसको सही कैसे करना है? अगर पतंग इधर जा रही है तो हमको पतंग लेनी है, इसको टर्न करना है और उसके जस्ट अपोजिट साइड इधर जा रही है तो टर्न किया और इधर, ठीक है, इधर वाले कांप को हल्का सा हमें हल्का सा ऐसे ऐसे मल देना है हल्का सा। और कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मतलब ऐसे करने में किसी से फट भी जाती है, बेसिकली कभी कभी हमसे भी फट जाती है पतंग ऐसे, तो हम ऐसे करते हैं, इसको हल्का सा दबा देते हैं, उसके बाद हम पतंग खींचते हैं और पतंग एकदम सही हो जाती है। तो ये हो गया पतंग सही करने की बात। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मली बट वो पतंग सही नहीं हुई, हमने फिर से उतारी, हमने फिर से उसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर दिया, फिर उड़ा के चेक करिए, बेसिकली पतंग सही हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे ये ज़्यादा मल गया है तो पतंग इधर जाने की बजाय पतंग इधर जाने लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इधर आएंगे, जस्ट अपोजिट साइड पे हल्का सा ऐसे इसको रब कर देंगे, हल्का सा मल देंगे। हमने पहले पतंग स्टार्ट करी थी सही करना इधर की तरफ से, इधर की तरफ गिर रही थी तो हमने उठाया, हमने इधर की तरफ रब किया, इधर रब करने से पतंग ज़्यादा थोड़ा सा रब हो गया, इस वजह से पतंग इधर जाने लगा, तो हमने इसको फिर से उठाया और अब की बार हमने इधर की तरफ से हल्का सा रब कर दिया। तो ये हो गया पतंग सही करने का तरीका। अब हम आपको पतंग में कन्ने बांधना सिखाते हैं। आजकल जो है हवा काफ़ी तेज़ है, तो हवा काफ़ी तेज़ है उसके हिसाब से हम कन्ने कैसे बांधेंगे। अगर हवा काफ़ी तेज़ है तो मैं अपने हाथ के हिसाब से ऐसे लूँगा या ऐसे नाप लूँगा और यहाँ पे कन्ने बांध दूँगा, इस जगह पे, थोड़ा सा पास में। क्यों? क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है, उससे क्या होगा अगर हम दूर बांधेंगे तो पतंग में लोड काफ़ी हो जाएगा, और इधर बांध देंगे तो पतंग में लोड कम रहेगा और जो इसकी थाई होगी वो हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी थाई रखेंगे, जिससे कि पतंग जो है वो आपके पूरे कंट्रोल में रहेगी, चाहे कि हवा तेज़ हो इस वजह से। तो कन्ने हम थोड़ा सा पास में बांधेंगे क्योंकि हवा आजकल काफ़ी तेज़ चल रही है। अगर हवा मीडियम चल रही है तो हम कन्ने नीचे बांधेंगे थोड़ा सा, और कभी कभी लोग कन्ने यहाँ पे भी बांधते हैं थोड़ा सा, इससे दो उंगली नीचे। अगर आप इतना बांधेंगे मीडियम हवा में तो पतंग में लोड रहेगा, पतंग बहुत प्यारी चलेगी, पतंग का जो असली मज़ा होता है, जैसे कुछ जो पहले काफ़ी टाइम पहले उड़ाते थे, जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े कारीगर हैं, नाम तो ऐसे नहीं लूँगा मैं, तो उन्होंने एक बार बताया था, एक बार उनका वीडियो देखा था मैंने, कि वो बता रहे थे कि कभी कभी हम कन्ने यहाँ तक पे भी बांधते थे तो पतंग में जो लोड होता था वो लोड बहुत ज़्यादा होता था, वो सब कलीदार पतंगों में होता था। तो हम बेसिकली अगर हवा कम है तो हवा ज़्यादा है तो हम यहाँ पे मारेंगे कन्ने और थाई छोटी रखेंगे, और अगर कम है तो हम यहाँ पे मार लेंगे। आप एक बार ऐसे करके देखिएगा, जब हवा कम हो जो पतंग का चाल फेर होगा, जो पतंग का असली मज़ा होगा, आपको इधर कन्ने बांधने में ही आएगा, जो लोड होगा पतंग का, जो खेल होगा पतंग का, वो आपको तभी समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा, इसका जितनी भी नॉलेज देनी थी हमें इस चीज़ से रिलेटेड वो। अब चलिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये जो पीछे बॉक्स रखा हुआ है, ये हमारा जो बॉक्स है ये हमारा गौरव भाई का बॉक्स है। गौरव भाई आज दो बॉक्स लेके आए थे, उन्होंने इतने चरखे परचेज कर लिए हैं कि भाई उनके घर में जगह नहीं बची है, तो उन्होंने अपना जो मटेरियल है वो यहीं पे रखा हुआ है, तो इसमें उनके सारे जितने भी चरखे हैं वो रखे हुए हैं। एक बात याद आई मुझे भाई, चलिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा शायद, आई गेस, एक बात मुझे याद आई, आज मैंने एक वीडियो देखा, बेसिकली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर्सनली किसी पे कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा मैं, वो क्या करते हैं, वो भी एज एन शॉपकीपर बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं आप उनको, वो क्या करते हैं, वो डोर लेते हैं, वो काफ़ी टाइम तक डोरों को संभाल के रखते हैं, उसके बाद वो अंधाधुंध प्राइस पे बेचते हैं। तो मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखने में
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो मैंने उनके वीडियो पे आज एक कमेंट किया कि आप मुझे ये बता दीजिए, बस आप एक चीज़ ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि जैसे आपने चरखा आज परचेज़ किया, वो चरखे की प्राइस है 2000 रुपये, चलिए बेसिक एकदम मिनिमम प्राइस पे लेते हैं 1000 रुपये आज किसी की प्राइस। तो आपने वो चरखा क्या किया, आपने उसको 5 साल संभाल के रख लिया, उस चरखे की प्राइस आपने बता दी उस 5 साल के बाद 2500-3000। तो मैंने उनको यही कमेंट किया कि आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई चरखा आज 1000 का है, वो 5 साल के बाद वो चरखा आप 2000-2500-3000 पे कैसे बेच रहे हो। तो मेरे पास रिप्लाई क्या आया कि उसमें क्या करते हैं वो संभाल के रखते हैं, वो धूप दिखाते हैं, वो कीड़ों से बचाते हैं। तो भाई धूप दिखाने की नौबत क्यों आई आपके पास, चरखा इतने टाइम तक रखने की नौबत क्यों आई? क्यों? क्योंकि आपके पहली बात तो प्राइस नहीं सही थे। अगर आपके प्राइस सही होते तो चरखे उसी टाइम पे बिक जाते, उसमें बिकने में कोई इशू नहीं होता। तो भाई ऐसे बेवकूफ़ आदमी को मत बनाइए, ऐसे बेवकूफ़ बनाना बहुत ही गलत काम है। हम भी चीज़ें सेल करते हैं, हम किसी को बेवकूफ़ बना के कोई चीज़ सेल नहीं करते हैं, साफ सीधी बात जो है सो है। और अगर कोई किसी को बेवकूफ़ बनाता है तो हम वो नहीं देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ आ जाती है, सेकेंड चीज़ वो ये बोलते हैं, आपने बोला कि वो भी शौकीन है, वो केवल शौकीनों को ही देते हैं। शौकीन है तो अगर कोई शौकीन होता है वो अपने चरखे पहली बात किसी को बेचता नहीं है। हम भी शौकीन हैं, उनके पास जितना स्टॉक है उससे कई ज़्यादा स्टॉक वाले लोग मैंने देखे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसके पास देखे मैंने, बट हमारे कानपुर में ऐसे भी शौकीन लोग हैं जिनके पास उनसे भी कई गुना ज़्यादा चरखे हैं, बट वो नहीं सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज़ का शौक है। आप बोलते हो कि हम शौकीन हैं लेकिन आप सेल कर रहे हो, तो पहली बात तो आप शॉपकीपर हुए, आप शौकीन नहीं हुए, क्योंकि आप दो पहलू से बेवकूफ़ बना रहे हैं। उस चीज़ का मैं भी फेस कर चुका हूँ, मैं उस चीज़ का गवाह हूँ कि भाई आप बेवकूफ़ बना रहे हो। पहली बात, आपने अगर वो चीज़ 10 साल पहले खरीदी तो आपने 800 रुपये की खरीदी और आज 10 साल के बाद आप उस चीज़ को 4000 का बेच रहे हो, मतलब कि 5 गुना प्रॉफिट, जबकि आज का उस सेम जरगे का प्राइस, उस सेम कारीगर का सेम लॉक आज का जो प्राइस है वो 1800 रुपये है। ये हो गया पहला पहलू। दूसरा पहलू ये कि आप उस पर गलत डेट डाल रहे हो, गलत डेट डाल के उसको पुराना बता के बेच रहे हो जबकि वो नया चरखा है। एक कारीगर का हमारे पास, आप ही का कारीगर था, उसका फ़ोन आया कि भाई फलाने फलाने हैं वो ऐसे ऐसे करके बेचते हैं, आप भी बेच लो, बहुत प्रॉफिट है। आप उस पर गलत डेट डलवा के बेच रहे हो। हमारे पास भी आया ये ऑफ़र, हमने मना कर दिया। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम आपको 10 साल पुरानी डोर दिखा रहे हैं, 5 साल पुरानी डोर दिखा रहे हैं। हमारे चरखों पे तो भाई बड़ी मुश्किल से अगर कोई डेट हो जाए तो हो जाए। इसमें तीसरी बात ये आती है कि आप बोलते हो कि मैं कारीगर के पास जाता हूँ, अपना जो जड़ी बूटियाँ हैं, अपने मसाले लेके जाता हूँ, उसके पास जाके उसको देता हूँ, उससे वो डलवा के मांझा बनाता हूँ। तो भाई क्या मतलब है आपका? आपका मतलब ये है कि वो कारीगर को कुछ आता ही नहीं है? कारीगर क्या बैठ के वहाँ पे घास रगड़ रहा होता है क्या आपके आने से पहले? आप जिस कारीगर का मांझा दिखा रहे हो उस कारीगर का इतना नाम है, कैसे नाम है? या तो अगर उसका नाम नहीं होता तो भाई उसके कहीं चरखे सेल ही नहीं हो रहे होते, केवल आपके पास ही सेल हो रहे होते, किसी के पास मिलते ही नहीं वो चरखे। और एक बात और कि चलिए हम मान रहे हैं आप जाके डलवाते हो, तो भाई पहली बात कारीगर अपने मसाले डाल रहा है, कारीगर अपनी जड़ी बूटियाँ डाल रहा है, आप जाके मसाले डलवा रहे हो, आप अपनी जड़ी बूटियाँ डलवा रहे हो, तो भाई वो डोर तो ऐसी होनी चाहिए कि वो डोर कभी कटेगी नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है भाई। फिर अगर आप ऐसा इतना सब कुछ मेहनत कर रहे हो उस पर, तो भाई वो डोर कटनी नहीं चाहिए। देखिए हम भी जानते हैं, हम भी चरखे इतने आते हैं हमारे पास, कोई कभी जाके ऐसे मसाले नहीं डलवाता है ना, जो सच्चाई है। हम भी इस बिज़नेस में ही हैं तो हमें भी पता है क्या सच्चाई है। आप बेवकूफ़ बना रहे हो, धांधलेबाजी कर रहे हो, चीज़ों के प्राइस को बढ़ाते जा रहे हो, तो सारा इशू यहीं पर। तो मैं एक बात बताता हूँ कि ये बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं आपको। जो चरखा आपने 4000 का दिखाया, वो चरखा आज हमारे पास ओरिजिनल उसी कारीगर का 1800 रुपये का है, मैक्स टू मैक्स 1800 रुपये का है, प्रॉफिट सब कुछ निकालने के बाद वो चरखा 1800 रुपये का है। तो भाई आपने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था तो आपने उसको, डेफिनेट सी बात है कि आपने उसको सस्ते पे ख़रीदा होगा। आज की डेट में आप वो मांझा 4000 का बेच रहे हो, जो मार्केट प्राइस उसकी है आज 1800 रुपये। तो आप सीधी साफ साफ बात है कि आप आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हो, धांधलेबाजी कर रहे हो। और एक चीज़ मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई जो ऐसे लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं, भाई उनको कम से कम ये चीज़ तो देखना चाहिए ना कि आप अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, आप कम से कम थोड़ी सी जांच पड़ताल तो कर लो भाई। आप पे लोग अगर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं
तो कम से कम उस विश्वास पे धोखा तो मत दीजिए आदमी को। आप अगर हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करी, अगर हम इतनी ज़रा सी चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप कम से कम उस चीज़ की इंक्वायरी तो करो। आपने कुछ ऐसे ही डाल दिया उनका वीडियो बना के, उसके बाद लोग आप पे विश्वास करते हैं, नाम आपका ख़राब होता है। आपने डाल दिया, लोगों ने उनसे परचेज कर लिया, उसके बाद लोगों को रिज़ल्ट मिले नहीं। भाई चलिए, मैं कह रहा हूँ रिज़ल्ट मिल भी रहे हैं, लेकिन क्या रीज़न होता है, क्या रीज़न है इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा के बेचने का? आपने जो चरखा 4,000 का दिखाया, आज वो चरखा हम लोग धड़ल्ले से, मतलब एकदम ओपनली ये बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो चरखा मैं 1800 रुपये का बेच रहा हूँ। और एक बात है, चलो कंपेयर कर लेते हैं, मैं खुला सामने आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि भाई उनका 4,000 का चरखा ले आओ, जो हमारे पास 1800 रुपये का चरखा है उसको ले आओ, सेम कारीगर, जो उनका 4,000 का है, जो मेरा 1800 रुपये का है, सेम कारीगर का, सेम लॉक, लड़ा लो भाई। और जो उसका रिजल्ट होगा वो हम बताएंगे आपको, चाहे हम हारें चाहे हम जीतें। तो भाई ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ बेवकूफ मत बनाइए। और एक बात और, जो आप डेट बता रहे हो, चलिए आपने 10 साल पहले ख़रीदा है, तो भाई आज क्या रीज़न है इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा के बेचने का? एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये, अगर वो 10 साल पुराना नहीं है तो भाई उस पर आप डेट्स लिख के क्यों बेच रहे हो आदमी को? कई कारीगर हैं जो ऐसा करते हैं, कारीगर ने हमको खुद बताया है कि लोग ऐसा करवाते हैं उनसे। तो भाई प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच के रहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ आज इस वीडियो में, आपको दिखाता हूँ कि चरखे बेचे कैसे जाते हैं। और वीडियो के एंड में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपके प्राइस सही हैं तो डेफिनेटली आपके चरखे बिकेंगे, आपकी पतंगे बिकेंगी। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। शावेद भाई ज़रा ये चरखे दिखाइएगा, आप ये चरखे देख सकते हैं, ये अकेले 20 चरखे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं दिल्ली, हमारे प्रवीण भाई हैं, काफ़ी बार उनका नाम मैंने वीडियो में लिया होगा, देख सकते हैं आप। ये देखिए, टेरिस चैम्पियन हो गया, ये इमरान लल्ला हो गए, सूर्या 9 हो गया, रिफाकत भाई, NRK हो गया, उसके बाद ये कौन सा है शावेद भाई, ये अजीम 929 हो गया, उसके बाद अजीम का रेड अलर्ट हो गया, NRK ब्लैक कमांडो हो गया, रिफाकत भाई का सूर्या 9 हो गया, ये हमारा खुद का ब्लॉक हो गया, AKG रॉयल चैलेंजर, आप देख सकते हैं। ये हमारा जितना स्टॉक है, पतंगे तो भाई अलग हैं, उनकी अलग ही हिसाब से पतंगे हैं, इस वजह से उनका थोड़ा सा डिलीवरी लेट हो रही है। ये जो स्टॉक है ये हमारा इलाहाबाद जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये कितने चरखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 चरखे हैं, ये भी 6 चरखे हैं, ये इलाहाबाद जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए 6 चरखे हैं, ये देख सकते हैं आप, टेरिस चैम्पियन, ये हमारा एक नसीम भाई का चरखा है, उसके बाद सरताज जी हैं, रिफाकत भाई का सूर्या 9 हो गया। ये जो चरखे हैं ये सारे असनसोल जा रहे हैं, ये देखिए बरेली लॉयन हो गया, अदनान अली सत्ता स्पेशलिस्ट हो गया ये, और वो अदनान अली का 24 कैरेट हो गया। नीचे 2-3 चरखे और बरेली लॉयन के हैं, तीनों चरखे बरेली लॉयन के हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे प्राइस सही हैं तो इस हिसाब से स्टॉक बेचा जाता है। ये देखिए एक और ये हो गया, ये कहाँ का है, ये लखनऊ के हैं हमारे वेद प्रकाश जी, ये उनका हो गया। बाकी वो देखिए 3 चरखे वो रखे हुए हैं, ये RK हिंदुस्तान है, वो 3 चरखे रखे हैं। बरेली लॉयन उधर वाले में है, राजेश जी का हो गया, ये अलग, ये कहाँ का है, ये है पंकज जी का है इलाहाबाद का। आगे राकेश जी हो गया, बरेली लॉयन है 2 पीस, एक टेरिस चैम्पियन है, एक पीस रिफाकत भाई का सूर्या 9 है, सॉरी टेरिस चैम्पियन नहीं है उसमें। और ये हो गया, ये रॉयल चैलेंजर है, सचिन भाई है क्या ये, अपने तमिलनाडु का है ये, सरवंटी भाई का कमेंट था हमारे वीडियो में कि भाई हमारा स्टॉक नहीं निकला, तो ये देखिए आपका स्टॉक लगा हुआ है, बस बारिश की वजह से नहीं जा पा रहा था। ये सजन जी हैं हमारे, RK हिंदुस्तान प्लस बरेली लॉयन, ये 2 चरखे हैं उनके। आप देख सकते हैं कि इतनी पैकिंग हमारी जा रही है। तो भाई अगर हमारे रेट्स जेन्युइन हैं, हम आदमी से अच्छा डील कर रहे हैं, तो भाई ऐसी चीज़ें बेची जाती हैं। नौबत नहीं आती है भाई हमको किसी से बहस करने की, किसी को कन्विंस करने की,
हाँ हाँ भैया, हमें नौबत नहीं आती है धूप लगाने की, उसमें मसाले मिलवाने की, जड़ी बूटियाँ मिलवाने की, कीड़ों से बचाने की, हमारी डोरे ऐसे ही काम कर रही हैं बिल्कुल। तो बस इतना ही सब कुछ आपको दिखाना था, इस वीडियो को हम यहाँ से एंड करते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्टॉक है। तो बस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, घर पे रहिए, मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए। एंड ये विश्वजीत भाई का है, अच्छा ये विश्वजीत भाई का है, असनसोल, सॉरी नाम नहीं बताया था मैंने, असनसोल कोलकाता। तो बस इस वीडियो को हम यहीं से एंड करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइज़।